प्रस्तुत है उत्तराखंड की प्रतिनिधि लोक कथाएं, संपादन एवं संयोजन जाफर अली, हिमालय की बर्फ, लेखक आरएस रोंचेला। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने समुद्र बनाया, नदी व पहाड़ बनाए, पेड़ पौधे व जंगल बनाए, सारी धरती हरे भरे जंगलों से ढक दी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर घाटी व मैदान सब घने जंगलों से आच्छादित हो गए। तब बर्फ नाम की कोई चीज इस धरती पर न थी। लोग जानते ही नहीं थे कि बर्फ क्या होती है। उसके रंग रूप गुणों से लोग अनभिज्ञ थे। शायद ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना करते समय बर्फ बनाना भूल गए थे। भगवान शिव आदि पुरुष थे, उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत था। तब कैलाश पर्वत आज की तरह बर्फ से नहीं ढका रहता था। कैलाश पर्वत पर हरी हरी कोमल घास, रंग बिरंगे अनेक प्रकार के सुगंधित फूल उगे होते थे। घाटियां जंगलों से घिरी थी। इसी कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव आसन जमाए प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। पास ही उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी बैठी थी। जाड़ों का मौसम था। कैलाश पर्वत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सफेद नीले बादलों से आकाश शोभायमान हो रहा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। ऐसे सुहाने मौसम को देख पार्वती जी को सहसा अपने मायके की याद आ गई। हिमालय की घाटियों में किसी गांव में एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। मायके की याद आते ही उनका मन मायके जाने को मजल उठा। जाड़ों में उनकी सहेलियां अपने मायके आ गई होंगी, उन्होंने मन में सोचा। वो मायके जाने को अधीर हो उठी। भगवान शिव से उन्होंने विनीत भाव से कहा, प्रभु इस सुहाने मौसम में मुझे अपने मायके की याद सताने लगी है। मेरी सहेलियां जया और विजया भी मायके आ गई होंगी। मेरे दाहिने पैर के तलवे में पराज लग रही है, शायद मुझे मेरी सहेलियां याद कर रही हैं। मेरी उनसे मिलने की प्रबल इच्छा हो रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं, अपनी सहेलियों व माता पिता को मिलाऊं। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए, बोले, हे देवी, तुम्हें इस कैलाश पर्वत पर किस वस्तु का अभाव है? यहाँ सभी इच्छा वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध हैं, फिर भी यदि तुम्हें किसी विशेष वस्तु की चाहना हो तो कहो, मैं उसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूं। परंतु पार्वती जी न मानी। उन्हें मायके जाकर लबंद्यादि खाने की इच्छा हो रही थी। कहने लगी, बहुत समय हो गया है, मैंने लबंद्यादि नहीं खाई। मायके में जो आनंद लबंद्यादि खाने में आता है वो अन्य किसी पकवान में नहीं आता। लबंद्यादि ये क्या होता है? मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना है। आखिर ये है क्या चीज? शिवजी ने जिज्ञासा जताई। आप नहीं जानते प्रभु, ये एक विशेष प्रकार का पकवान है। सिर्फ मेरे मायके वाले ही इसे बनाना जानते हैं, पार्वती जी ने बड़ी चतुराई से कहा। पार्वती जी मायके चली गई, परंतु शिवजी के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर गई लबंद्यादि जानने की। और एक दिन शिवजी पार्वती के मायके चले गए। इस अद्भुत पकवान को देखने के लिए उनके मन में उत्कंठा पैदा हो गई थी। वो चुपके से पार्वती जी के मकान की छत पर चढ़ गए और वहां आले से घर के अंदर झांकने लगे। शिवजी तो भगवान थे, वो सबको देख रहे थे, परंतु उन्हें कोई नहीं देख रहा था। घर के अंदर झांक कर उन्होंने देखा कि पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ बैठ बिच्छू घास का साग बड़े चाव से खा रही हैं। अरे ये क्या इसी घास का साग खाने के लिए पार्वती जी इतनी उतावली थी? शिव जी फिर चुपके से कैलाश पर्वत पर लौट आए। जब पार्वती जी लौट कर कैलाश पर्वत पर आएंगी तो उनसे पूछूंगा कि यही था वो पकवान जिसकी प्रशंसा करते तुम थकती नहीं थी। शिवजी ने मन में कहा
और पार्वती के लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। लड़कियां अमीर घर की हो या गरीब घर की, सभी ससुराल में अपने मायके की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करती हैं। पार्वती जी भी इसका अपवाद नहीं थी। कैलाश पर्वत लौटने पर वो प्रसन्न मन में थी, मायके वालों की खूब बढ़ चढ़कर प्रशंसा की। क्या कमी है मेरे माँ बाप के घर में, मैंने अपने मायके में खूब दूध दही खाया, खीर खाई। शिवजी ने पूछा, पर पार्वती जी झूठ बोल गई। शिवजी तो स्वयं अपनी आंखों से देख आए थे कि पार्वती जी मायके में क्या क्या खा रही थी। पार्वती की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए, बोले, अच्छा देवी, तुमने अपने मायके में जो कुछ खाया है उसे उगल कर दिखाओ, हम भी देखें कि तुमने वहां ऐसा क्या पकवान खाया है। शिवजी को पूरा विश्वास था कि पार्वती जी बिच्छू घास का साग ही उगलेंगी, हरा हरा। उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाही। पार्वती को वो एक मानवी ही समझते थे। उनकी अलौकिक शक्ति से शिव जी अपरिचित थे। पार्वती जी तो सक्षम शक्ति स्वरूपा थी। उन्होंने शिव जी की बात मान ली और उनकी बात उन्हें लग गई। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। शिव के कहने पर उन्होंने उगलना शुरू कर दिया, सफेद दही ही दही। जैसे पार्वती जी ने कहा था वैसा ही उगलना शुरू कर दिया। वो उगलती ही रही। एक दिन, दो दिन, हफ्तों बीत गए, परंतु उनका उगलना बंद नहीं हुआ। सारा कैलाश पर्वत दही से ढक गया, घाटियां ढक गईं, पेड़ पौधे सब दही में समा गए। जिधर देखो उधर दही ही दही, पर्वत घाटियां सब दही के आवरण से ढक गए। शिवजी पार्वती जी की अलौकिक शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो सोचने लगे, यदि पार्वती को रोका न गया तो धरती पर प्रलय होते देर नहीं लगेगी। ब्रह्मा की सारी सृष्टि उन्हें समाप्त होते दिखाई देने लगी। वो सोचने लगे कि संसार में न जीव जंतु रहेंगे, न पेड़ पौधे ही। पार्वती जी ऐसी शक्ति रूपा होंगी, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो उस देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्षमा करो देवी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। बस करो देवी, नहीं तो महा अनर्थ हो जाएगा, ये सृष्टि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, बस करो। ऐसा कह उन्होंने पार्वती को अपने बाहुपाश में समेट लिया और फिर पार्वती शिव में और शिव पार्वती में समाहित हो गए, दोनों एक हो गए। कहते हैं हिमालय पर्वत पर जाड़ों में जो बर्फ गिरती है वो यही पार्वती जी की उगली हुई दही है, ऐसा पहाड़ों के लोगों का विश्वास है। और इस घटना से संबंधित पहाड़ में एक कहावत आज भी प्रचलित है, मैथ जैलू तलबंदियादी खा लो। धन्यवाद।